सोलन शहर की हालत दिन प्रतिदिन इतनी खराब होती जा रही है कि अब छोटे छोटे कार्यों के लिए भी वर्षों इंतजार करना पड़ रहा है। और जब बार बार कहने पर प्रशासन कोई कार्य आरंभ करता है तो लोग खुशी के मारे झूम उठते हैं और उसे अपनी बहुत बड़ी कामयाबी समझते हैं। ऐसा ही कुछ सोलन के माल रोड पर भी देखने को मिला, जब सरकार ने 12 महीनों के बाद टूटी नालियों को नए सिरे से बनाने का कार्य आरंभ किया, जिस पर सोलन व्यापार मंडल में भारी खुशी की लहर देखी जा रही है। गौरतलब है कि महज नालियों के लिए पूरा व्यापार मंडल पिछले एक साल से संघर्ष कर रहा था और उन्हें आज कामयाबी मिली, तो उन्होंने इस कामयाबी का जश्न मनाने के लिए नाली पूजन कार्यक्रम का आयोजन कर डाला और मिठाइयां भी बांटी। अधिक जानकारी देते हुए सोलन व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुकेश गुप्ता ने बताया कि वे पिछले एक साल से जिला प्रशासन को टूटी हुई नालियों को बनाने का आग्रह कर रहे थे और उन्हीं के कई बार आग्रह करने पर उपायुक्त सोलन ने 15 लाख रुपए जारी किए। एक साल से हम व्यापार मंडल सोलन इसके पीछे लगा था कि इन नालियों को दोबारा से बनाया जाए, माने न्यायालय ने भी आदेश दिया था, लेकिन इसके लिए पैसों के प्रावधान नहीं हो पा रहा था, जिसको कि व्यापार मंडल सोलन ने प्रमुखता से उठाया और हमारे माने जिलाधीश महोदय डीसी साहब ने इसके लिए 15 लाख रुपया फंड जो व्यापार मंडल के कहने पे है वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को दिया और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने इसका टेंडर लगाकर आज से इन नालियों का द्वारा से बनने का काम शुरू हो गया है। इस माल रोड को अब बहुत सुंदर माल रोड बनाने जा रहा है व्यापार मंडल। इसके लिए प्रशासन और पुलिस विभाग, हमारे व्यापारी भाई, हमारे राजनीतिज्ञ जो हमारे MP साहब हैं, हमारे जो विधायक हैं यहाँ के, सबकी हम सहायता से इस माल रोड को अब एक आदर्श माल रोड बनाने जा रहे हैं। वहीं शहरवासियों का कहना है कि नालियां बनाने के नाम पर महज औपचारिकता निभाई जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी नालियों का निर्माण का कार्य आरंभ किया गया था जो कि आज तक पूरा नहीं हो पाया है। सोलन शहर में नालियां चौड़े करने की बात कर रहे हैं, ये सब खाने का तरीका है, बाकी कुछ नहीं है। पहले भी नालियां बनी थी, उस टाइम चौड़ी क्यों नहीं की? किसी का डाउन पाइप नीचे को है, किसी का कुछ है, सब अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। प्रशासन सिर्फ देख रहा है, एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है। गलियों में देखो कितना गंद पड़ा है, और ये सड़कें हैं, सड़कें की टूटी पड़ी है, गरीब का कोई फायदा तो है ही नहीं। ये क्या कर रहे हैं अभी? ये क्या पता होएगा कि नहीं होएगा, नाली खुली कर रहे हैं ना? ये नाली खुली होएगी तब की गनीमत है, ये नहीं पता बेटा होंगे कि नहीं। हम जाके देख, सारी टूटी पड़ी है, कूड़ेदान का तो गलियों में कूड़ा पड़ा है। गौरतलब है कि नालियों को करीबन 1 मीटर चौड़ा किया जा रहा है, जिसे ऊपर से ढका भी जाएगा। अब देखना ये होगा कि यह रास्ता आम व्यक्ति के चलने के लिए उपयोग में लाया जाएगा या अन्य स्थानों की तरह इस पर भी दुकानदारों का कब्जा ही हो जाएगा।